Hey guys, कैसे हो आप लोग? So, आप लोग जानते हो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट होता है एंड इस सारे कंटेंट के बीच में अपने कंटेंट को कैसे अटेंशन दिलाई जाए ना, इसका एक ही तरीका है अपने फोटोज वीडियोस को थोड़ा सा बढ़िया एडिट करके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्नैपसीड यूज करके अपनी नॉर्मल फोटोज को प्रो लेवल फोटोज बना सकते हो सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है पुरु रोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू शटरक्लोज्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये फोटो एडिट करके बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटोज को स्नैपसीड में एडिट कर सकते हो। बट अगर आप लाइट रूम में करना चाहते हो ना अपनी फोटोज को एडिट, तो यहाँ पे आपको एक कार्ड दिख जाएगा, उस कार्ड पे क्लिक करना। उसमें आपको बताऊंगा मैं कि ये सेम फोटो यूज करके कि आप कैसे लाइट रूम के अंदर अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हो। अब लाइट रूम में एडिट करने का बेनिफिट ये रहता है कि लाइट रूम थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है स्नैपसीड के हिसाब से एंड उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग मिलती है और थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है एडिटिंग के ऊपर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फोटो को स्नैपसीड में एडिट करना। अब जब आप स्नैपसीड में अपनी फोटो को खोलोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो आपको कुछ प्रीसेट्स मिल रहे हैं। आप चाहो तो ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ये प्रीसेट यूज़ करना नहीं पसंद करता, मैं इसकी जगह अपना प्रीसेट खुद का क्रिएट करना पसंद करता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हो, ताकि हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर फोटो डालो तो आपको उसे एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा प्रीसेट लगा सको। तो अब स्टार्ट करते हैं एडिटिंग का प्रोसेस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट स्टेप मेरा है ना, वो है ट्यून इमेज। अब इसमें हम बेसिक इमेज की जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, ऐसी चीज़ें हैं ना, इसको एडिट करेंगे एंड जैसे हमें लुक चाहिए ना, थोड़े उस हिसाब से करेंगे एंड मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। तो मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं हमेशा बढ़ाना प्रेफर करता हूँ, इससे थोड़ी सी पंचीनेस मिलती है इमेज को। सैचुरेशन को कभी भी ज़्यादा मत बढ़ा देना, क्योंकि अगर तुम लोग ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, तो तुम्हारी इमेज बहुत अननेचुरल लगेगी। कोशिश करना इसको 10-20 की रेंज के अंदर ही रखना, तो 11 इज़ फाइन। अब एम्बियंस से होता पता क्या है कि तुम्हारी फोटो में जितने भी कलर्स हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा पंच आउट करते हैं। एम्बियंस में थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर एम्बियंस ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो उससे हर कलर ज़्यादा पॉप आउट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा गंदी सी इमेज लगेगी। एम्बियंस भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं। अब आते हैं हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स का बेनिफिट पता क्या है कि तुम्हारी स्काइज को बहुत इंप्रूव कर सकता है। अब अगर मैं हाइलाइट्स को एकदम कम कर देता हूं, तो आप देख सकते हो कि स्काई के अंदर क्लाउड्स कितने इंप्रूव हो गए हैं। अगर मैं हाइलाइट्स को एकदम बढ़ा देता हूं, तो आप देख सकते हो बीच में कई क्लाउड्स नियरली डिसअपियर हो गए हैं। तो हाइलाइट्स को मैं कम करना ही प्रेफर करता हूं, इससे स्काई बहुत अच्छी आती है, बहुत बेटर आती है। अब शेडोज, मैं इस फोटो के लिए शेडोज को थोड़ा सा अप करना चाहूँगा, क्योंकि रोड पे जो ना थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो थोड़ा सा अप करूँगा तो रोड भी ब्राइटन अप हो जाएगी। अब बारी आती है वार्म्थ की। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि इमेज के अंदर येलोइश कलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी इमेज ज़्यादा वार्म है, तो मैं इसको थोड़ा सा कूल करना चाहूँगा, तो नेगेटिव साइड पर लेके जाऊँगा। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। बट अगर आप लोग अब इमेज को नोटिस करोगे ना, इमेज के अंदर एक ग्रीन से कलर की टेंट आ रही है, तो अब मैं जाऊंगा वाइट बैलेंस के अंदर और वहाँ पे जाके मैं टेंट को करूँगा पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव क्या करता है, पर्पल कलर ऐड करता है थोड़ा सा। अगर नेगेटिव में जाऊँगा तो ग्रीन ऐड करेगा, पॉजिटिव में जाऊँगा तो पर्पल सा ऐड होगा कलर, जिससे ग्रीन कलर कम हो जाएगा। तो इस फोटो के लिए मैं थोड़ा सा पर्पल की साइड जाना चाहूँगा, 20 इज़ फाइन। तो अब आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर चेंज हो चुका हो। अब अगर आप बिफोर देखो और आफ्टर देखो, तो आप अभी देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे फोटो के अंदर। अब मैं जाऊँगा डिटेल के अंदर और मैं बढ़ाऊँगा इमेज का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि इस फोटो में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो स्ट्रक्चर बढ़ाने से ना उसका डिफिनेशन बिल्डिंग्स की थोड़ी बढ़ जाएगी। बट अगर मैं सैचुरेशन ऑल द वे बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हो हर चीज़ इमेज में ना जैसे इमेज फटने से लग जाएगी। तो सैचुरेशन बढ़ाऊंगा पर थोड़ी सी, शार्पनिंग भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। अगर शार्पनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इमेज के अंदर ना पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा, नॉइज़ आ जाएगी एंड वैसे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में हम मैनुअली अपनी फ़ोटो के अंदर नॉइज़ ऐड करेंगे, जिससे वो विंटेज से लुक मिलती है। अब ये फर्स्ट 3 स्टेप्स थे इमेज को एडिट करने के। अब जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ना, वो है ग्रेनी फिल्म। अब एक ग्रेनी फिल्म में क्या है, हमें बहुत सारे प्रीसेट्स मिल रहे हैं, फिल्टर्स मिल रहे हैं, हम ये अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर लगा सकते हैं और हमारी फ़ोटोज़ को हम एक स्पेसिफिक तरह की लुक दे सकते हैं।
तो अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अपनी फोटो के टोन के हिसाब से सबको ट्राई करके देखता हूँ कौन सा फिल्टर ज़्यादा बेटर सूट करता है। सो मेरे अकॉर्डिंग X03 यहाँ पे अच्छा सूट कर रहा है, बट मैं इसकी पावर को ना कम करना चाहूँगा अराउंड 30%। एंड अब बात आती ग्रेन की, तो ग्रेन से पता क्या होता है, तुम्हारी इमेज में ना नॉइस छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, जैसे ये देखो। अब मैं ग्रेन को ना इंटेंशनली अपनी फोटो में थोड़ा रखना चाहता हूँ, इससे फोटोज़ को ना वो विंटेज वाली ओल्ड लुक मिलती है, तो मैं ये वैल्यू रखना चाहूँगा अराउंड 35। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारी इमेज के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ गया हुआ है। अब लास्ट स्टेप है विंटेज। अब मैं अगर -100 ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो साइड से पूरा ब्लैक डार्कनेस आनी शुरू होगी है सर्कुलर फॉर्म में। अब ये मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, एंड इनर ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट फोटो क्या थी, बिफोर फोटो क्या थी, एंड आफ्टर कितनी बेटर बन चुकी हुई है। एंड अब बात करते हैं ये जो सेटिंग्स है ना सारी की सारी, इनको हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो अब जाना है स्टाइल के अंदर, एंड एंड पे आप देख सकते हो ये जो प्लस आइकन है, इस प्लस आइकन को प्रेस करके ना अपने प्रीसेट को आप सेव कर सकते हो। सो आई विल सेव माय प्रीसेट एज फाइनल एंड सेव। ऐसे अपने प्रीसेट को भी आप सेव कर सकते हो सो दैट आप नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली अपने प्रीसेट को अप्लाई कर सको अपनी इमेज के ऊपर। सो इस तरीके से आप अपनी फोटोज को स्नैपसीड के अंदर सिर्फ 5 इजी स्टेप्स के अंदर अंदर एडिट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।